नमस्कार, मैं हूं आपके हद रोशनी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश किसकी नफरत किसकी सियासत। इस सीट पर भाजपा ने लगाया जीत का छक्का, जाने क्या है रहा यह समीकरण। गुजरात विधानसभा चुनाव के जीतने आ चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 142 विधानसभा सीटों वाले गुजरात के भाजपा से 156 प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस 77 सीटों से सीधे 17 सीटों पर आ गई है, मतलब कांग्रेस को 60 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। वही इस बार सरकार ने बताते का दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के केवल 5 प्रत्याशी के चुनाव जीत पाएंगे। इस सीट पर सपा उम्मीदवार विजयी हुए तो बाकी 3 सीटों से निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत जाएगी। नवसारी जिले में जिला लोर सीट के भाजपा ने 5 बार के विधायक रमेश भाई छोटू भाई पटेल को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार दावा बनाया है। इस चुनाव के पटेल एक बार में विजयी हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के परिसम भाई पटेल को 68,699 वोटों से करारी हार दी थी। इस सीट के पुराने नतीजों पर नजर डालते तो यह भाजपा मजबूत रही है। इसके नेता आरसी पटेल 1998 में लगातार जीत रहे हैं। हालांकि 1998 में पहले यह सीट कांग्रेस का गढ़ थी। 2017 में लगातार 5वीं बार जीते हैं आरसी पटेल। 2017 में विधानसभा चुनाव के इस सीट पर भाजपा ने आरसी पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार परिसर भाई पटेल को 50,000 वोटों से हराया था। इस चुनाव में कुल 7 उम्मीदवारों के मैदान में थे। कांग्रेस पर भाजपा उम्मीदवारों के अलावा बाकी 5 उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बच पाई थी। 2017 में भाजपा ने जिले की 4 से ज्यादा 3 सीटें जीती थी। जलालपुर सीट निवासी जिले के अंतर्गत आने वाली 4 सीटों से एक है। 2017 में जिले के 4 से 3 सीट के एक भाजपा ने जीत हासिल की थी। वही कांग्रेस के खाते में मात्र एक ही सीट आई थी, वह सौराष्ट्र क्षेत्र के आने वाली जलालपुर सीट पर भाजपा पिछले 5 चुनाव से जीत रही है। भाजपा ने वरिष्ठ नेता आरसी पटेल यहां से 6वीं बार विधानसभा के पद पर शपथ बनाए हुए हैं। उन्होंने 1998 में पहली बार जीत दर्ज की थी। उनके बाद 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में भी पटेल को इस सीट पर जीत मिली है। आदिवासी व पटेल वार्डों पर रही है यह पार्टी की नजर। इस सीट पर आदिवासी व पटेल समुदाय के लोगों की संस्था काफी है। इन्हीं समुदाय के वोटरों पर हमेशा पार्टी की नजर रहती है। इस सीट में लिए भाजपा ने पहले मौजूदा विधानसभा आर सिंह पटेल को भी मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने परिमल भाई पटेल को भी अपना उम्मीदवार घोषित किया था। इस सीट पर 1 दिसंबर को पहले चरण में ही मतदान हुआ था। नतीजे 8 दिसंबर को सामने आएंगे। ऐसे ही नहीं खबरें जानने के लिए आते रहेंगे एक राजनीतिक और सियासी दावपन्नों के जुड़े हुए। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश किसकी नफरत किसकी सियासत मेरे यानी रोशनी के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस।